इतिहास के पन्नों से मैं वैसी चीजें उठाकर ला रहा हूं जो आपने आज तक न देखी हैं, न सुनी हैं और ना ही पढ़ी हैं। हमारे हिंदुस्तान की इस वीर भूमि पर जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जहां तक हमारे इतिहासकार नहीं पहुंच पाए, या फिर यूं कहें कि इतिहास के पन्नों में ऐसी वीर गाथाओं को जगह नहीं दिया गया है, हम उन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस युद्ध के बारे में जानने वाले हैं, उसे बैटल ऑफ करतारपुर कहा जाता है। यह युद्ध सिखों और मुगलों के बीच 1535 में लड़ा गया था। सिखों के कुल 10 गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के इन 10 गुरुओं में 2 गुरु ऐसे थे जिनका कि मुगलों के द्वारा कत्ल कर दिया गया था। एक थे गुरु अर्जन देव जी और दूसरे थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु अर्जन देव जी के बेटे का नाम था हरगोविंद सिंह, जो अपने पिताजी के कत्ल के बाद मात्र 11 साल की उम्र में सिखों के 6ठे गुरु बने। गुरु हरगोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे बचपन से अनेक प्रकार के युद्ध कलाओं में निपुण थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म 1595 में वडाली नामक गांव में हुआ था, जो कि अमृतसर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वे बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट जैसी अनेकों शस्त्र विद्याओं में निपुण थे। तो जब उनके पिता गुरु अर्जन देव जी का औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया था, तब गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सोचा कि हमें भी फौज तैयार करके रखने की जरूरत है, मुगलों पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपितु हर रूप में अपने आप का और अपने लोगों का बचाव किया जा सके। वे लोगों को हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कहा करते थे, ताकि आने वाले विपत्तियों के लिए वे तैयार रह सकें। गुरु हरगोविंद सिंह जी और मुगलों के बीच जो पहला युद्ध लड़ा गया था, वो था बैटल ऑफ रोहिला, जो कि 1621 में लड़ा गया था। और इस रोहिला के युद्ध में सिखों की संख्या कम होने के बावजूद भी मुगल बहुत बुरी तरह हार गए थे। ऐसे ही ये कहावत नहीं है, 1,25,000 ते एक लड़ावा। कहने का मतलब है, एक सिख 1,25,000 दुश्मनों का अकेले सामना करने की क्षमता रखता है। इसके बाद एक बार फिर से 1634 में गुरु हरगोविंद सिंह जी की सेना और मुगलों की फौज आमने सामने होती है अमृतसर में। जब मुगलों को यह बात पता चलती है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी अमृतसर में मौजूद हैं, तब मुगल पूरे अमृतसर शहर की नाकाबंदी कर देते हैं। गुरु जी यह युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके शिष्य उन्हें अभी न युद्ध करने की सलाह देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अभी वे मुगलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तब गुरु हरगोविंद सिंह जी अमृतसर से निकलकर मुगलों के नाक के नीचे से निकल जाते हैं। लगभग साल भर की तैयारियों के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी की सेना और मुगलों की सेना बैटल ऑफ करतारपुर में आमने सामने होती है, जिसमें मुगलों की सेना का नेतृत्व पैंदे खान कर रहा था। यह वही पैंदे खान है जिसको गद्दार कहा जा सकता है। पैंदे खान एक अनाथ था, जो कि बचपन से ही गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास रहता था। गुरु हरगोविंद सिंह जी पैंदे खान को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। गुरु जी ने पैंदे खान के लिए 2 भैंसें भी रखी थी, ताकि पैंदे खान की शारीरिक ताकत बनी रहे। इतना ही नहीं, गुरु हरगोविंद सिंह जी को जितनी तरह की शस्त्र विद्याएं आती थी, वो सारी की सारी विद्याएं गुरु जी ने पैंदे खान को सिखाई। लेकिन समय के साथ पैंदे खान ने गुरु जी से बगावत कर दी और मुगलों से जा मिला, और मुगलों को सिखों पर हमला करने की सलाह भी दी। लेकिन मुगल सरदारों ने पैंदे खान को सिखों पर हमला करने के लिए भेज दिया। पैंदे खान ये बात भली भांति जानता था कि सिखों से जीत पाना आसान नहीं है। इतनी भारी संख्या में मुगलों की फौज होने के बावजूद पैंदे खान ने सिखों पर रात के समय में हमला बोल दिया। अचानक इस हमले से सिख घबराए नहीं, सिखों ने बहादुरी का परिचय देते हुए मुगलों के खेमे में कोहराम मचा दी। कहा जाता है कि करतारपुर के इस युद्ध में
गुरु तेग बहादुर जी ने भी बहुत कम उम्र में हिस्सा लिया था। इस युद्ध के बीच में एक क्षण ऐसा आ जाता है जब गुरु हरगोविंद सिंह जी और पैंदे खान आमने सामने हो जाते हैं। उस युद्ध भूमि में भी गुरु हरगोविंद सिंह जी गुरु का फर्ज निभाते हुए पैंदे खान को पहला हमला करने का मौका देते हैं। गुरु जी कहते हैं, दिखाओ पैंदे खान, तुम में कितना ताकत है, तुमने मुझसे क्या क्या सीखा है, मुझसे सीखने के बाद तुमने मुगलों से क्या सीखा है। पैंदे खान आवेश में आ जाता है और गुरु जी को अपशब्द कहने लगता है। तब गुरु जी कहते हैं कि जब हाथ में तलवार हो पैंदे खान, तो जुबान चलाने की क्या जरूरत है। तब एक पर एक पैंदे खान ने गुरु जी पर लगातार वार करना शुरू किया, लेकिन गुरु जी हर बार बच गए। अंत में गुरु जी ने पैंदे खान के सर पर ढाल से वार किया और एक ही वार में पैंदे खान लहूलुहान होकर गिर पड़ा। जब पैंदे खान जमीन पर गिरा हुआ था, तब गुरु जी उसके पास गए और पैंदे खान से कहा कि पैंदे खान, तुम्हारा अंत समय नज़दीक है, तुम अपना कलमा पढ़ लो। और पैंदे खान को गुरु जी ने अपने ढाल और कवच से ढक दिया ताकि पैंदे खान उस युद्ध भूमि में सुरक्षित रह सके। इतना देखकर पैंदे खान का सारा घमंड टूट गया और उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, ये जो आपका ढाल और तलवार है, यही मेरे लिए कलमा है। और फिर कुछ ही क्षणों के बाद पैंदे खान मर जाता है। सिख एक बार फिर से जीत जाते हैं और मुगल रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में लगभग 700 से 800 की संख्या में सिख भी मारे जाते हैं और 12 से 13 हजार की संख्या में लगभग मुगल मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।